तक जो हम लोग प्रोग्राम किए थे राइट, तो उसमें क्या होता था, कोई भी डेटा इनपुट करते थे, वो डेटा क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था ना, यही ना होता था। हेलो, कोई भी डेटा इनपुट करते थे, वो डेटा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है राइट। फिर प्रोग्राम रन कीजिएगा, जो भी इनपुट किया खत्म हो जाता है। अब हम चाहते हैं क्या है कि उस डेटा को हम परमानेंटली स्टोर करें, क्या करें उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करें। स्टोर करें, तो उसको हम लोग अब फाइल में लिखेंगे ठीक है। तो अब हम डेटा जब डालते हैं तो खाली इंटर नेम और इंटर ऐसे, मतलब हम लोग जो है हमेशा उसको क्या करते हैं सीक्वेंस में लिखते हैं ना, नेम जैसे नेम, रोल नंबर, एज ऐसे कुछ लिखते हैं राइट। हाँ सर, तो उसके लिए आपको क्या बताया गया कि अगर कंबाइन करना है बहुत सारे वेरिएबल को एक ग्रुप में, तो आप क्या बनाएंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज में, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट बनाएंगे राइट। एक्सेलेंट, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्ट बनाए हैं पर्सन नाम का, उसमें है आईडी नेम और एज, एज आईडी नेम और एज है, तीन चीजें एक स्ट्रक्ट बना लिए हैं ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इस रिकॉर्ड को हम लोग एक फाइल में लिखेंगे और इस रिकॉर्ड को से फाइल से रीड करेंगे, रिकॉर्ड मिटाएंगे, अपडेट करेंगे। मैं समझ रहे हैं रिकॉर्ड को क्या करेंगे, रिकॉर्ड पहले करेगा। फाइल बनाएंगे, उसको रिकॉर्ड लिखेंगे, जो पहले से लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड है उसको चेंज करेंगे, सारे रिकॉर्ड को रीड करेंगे और उसमें से कोई रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। कोई दिक्कत, नो ठीक है आपको ये शिवानी, आपको सत्यम क्लास बनाए हैं डेटाबेस में, तो वहां क्लास की जगह पे यहाँ पे क्या है स्ट्रक्ट राइट, क्लास की जगह पे यहाँ पे क्या है सत्यम, क्लास की जगह पे यहाँ पे क्या है भैया, स्ट्रक्ट है। स्ट्रक्ट है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल को, फाइल में हम लोग पहले लिखेंगे, पहले क्या करेंगे फाइल में लिखेंगे ठीक है, ठीक है। तो पहले जो फाइल में, उससे पहले हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे देखिए फाइल का पॉइंटर तो हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं ना, फाइल पॉइंटर, तो हाँ, फाइल पॉइंटर बता दी। फाइल का एक पॉइंटर लिए हैं फाइल ठीक है, और हम लोग स्ट्रक्ट बनाए हैं ना पर्सन, तो दो रिकॉर्ड ले लिए हैं ठीक है, एक का नाम रख देते हैं सत्यम ठीक है, और एक का नाम लिख देते हैं अमित कुमार, सत्यम और अमित कुमार ठीक है। दो रिकॉर्ड है, आईडी है, नाम है और एज है। कैसे लिखे हैं, नेम लिखे हैं, उसके बाद कॉमा दिए हैं, उसके बाद फिर नाम लिखे हैं, फिर कॉमा दिए हैं, फिर उसका एज है, ऐसे ही नया फॉर्मेट। हाँ सर, एक फाइल नेम ले लिए हैं और उसमें क्या डाले हैं, बिल्कुल। टैग डॉट ऊपर टैग्स, लगा, फाइल का नाम क्या है मेरा, एप्पल डॉट टैग्स। टीएक्सटी राइट। सर चलिए इसमें ये जो ऊपर ही उसका पूरा नाम लेना पड़ेगा, आईएनटी मैन के अंदर जैसे एज इसमें बोलिए बोलिए, किस तरह कहाँ डिफाइन किए हैं सर? ऊपर स्ट्रक्ट में लिखे हैं, अच्छा, ऊपर में। हाँ सर, ऊपर स्ट्रक्ट में डिफाइन है ना, हाँ, वही वेरिएबल स्ट्रक्ट का ही डिक्लेयर कर रहे हैं ना, वेरिएबल किसका ले रहे हाँ, हैं, स्ट्रक्ट का, पर्सन का। तो उसमें तीन चीज डाल सकते हैं ना हाँ, डाल सकते। ठीक है। अब हम लोग फाइल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल को अपेंड मोड में खोल रहे हैं, फाइल किस हाँ मोड सर, में अपेंड खोल रहे हैं, अपेंड मोड में मोड में। अगर फाइल खुल गया तो ठीक है, नहीं खुलेगा तो क्या मैसेज आएगा एरर मैसेज देगा। ठीक है। अब यहाँ पे कर रहा राइट पर्सन टू फाइल, हम लोग एक फंक्शन बनाया राइट, और यहाँ पे पास क्या कर रहे हैं, फाइल फाइल पॉइंटर और पर्सन। पर्सन, जिसको लिखना है पर्सन वन लिखे राइट। कोई दिक्कत, नो सर, इसमें फंक्शन में जाते हैं, गो टू डेफिनेशन, और यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल में लिखने के लिए क्या बताए थे आपको, एफ प्रिंट एफ राइट, एफ प्रिंट एफ। कहाँ लिखना है, तो फाइल में लिखना है, और क्या लिखना है, तो सबसे पहले आईडी है, फिर कॉमा, उसके बाद नाम, फिर कॉमा, और उसके बाद क्या है, एज, एज राइट। ये है तीनों चीज हम लिख रहे हैं, पर्सन आईडी, पर्सन नेम और पर्सन का एज, कोई दिक्कत इसमें, ठीक नो सर। है। तो ये सिंपल सा ये क्लाइंट का फंक्शन था राइट। हाँ सर,
फाइल में लिखने के लिए। चलिए, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे कितनी बार कॉल किए हैं, रेफरेंस में दिखाएगा ना कितना। फंक्शन को कितनी बार कॉल किए हैं, दो बार, राइट। दो बार तो दो रिकॉर्ड डाले हैं, एक में सत्यम है और दूसरे में अमित कुमार है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर, ठीक है। और उसके बाद फाइल को हम क्या कर दिए हैं, क्लोज कर दिए हैं, फ्री कर दिए हैं, ठीक है, क्लोज हो गया। अब हम इसको रीड करेंगे, क्या करेंगे, रीड रीड करेंगे करने के लिए कौन से मोड में फाइल ओपन किए हैं, रिड्यूअर। आर, आर मीन्स, रीड आर मीन्स, में लौट हाँ, आर मीन्स रीड, हम लोग रीड मोड में खोल रहे हैं, ठीक है। रीड, और चेक यस। कर रहे हैं यहाँ पे कि फाइल खुला कि नहीं खुला, नहीं खुला, और उसके बाद मैसेज दे रहे हैं, क्या लिखे हैं, रिकॉर्ड फॉर्म द फाइल, ये लूप कब तक चलेगा, एक जैसे ही आएगा बाहर हो जाएगा। एक जैसे ही आएगा बाहर आ जाएगा, वेरी गुड, यही बताए हैं व्हाइल लूप में। नहीं सर, वन का मतलब यहाँ क्या होता है, सी लैंग्वेज में क्या सर, वन का मतलब सी लैंग्वेज में क्या होता है, ट्रू, अरे ट्रू होता है सर, ट्रू। ठीक है। तो यहाँ वाइल वन लिखा है, मतलब ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा, इनफिनाइट में। इसको लूप से जी बाहर सर, निकालने के लिए क्या वन करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। वन देखे ना, इसीलिए हम, बात समझ गए, वाइल यस। वहां ट्रू भी वन दे सकते हैं ना का सर, ट्रू मतलब, भी दे सकते हैं। हाँ, सी लैंग्वेज में ट्रू फॉल्स नहीं है, है लेकिन उसके लिए अलग ही चीज है, वो लेटेस्ट वर्जन में है, पुराने वर्जन में नहीं है, ठीक वो सर है। तो असल यहाँ में पे सी लैंग्वेज में कोई वाइल का नहीं काम किया, इसीलिए कंफ्यूज हो गए। बात नहीं, तो यहाँ पे जो है ट्रू फॉल्स के लिए जीरो या वन लिखते हैं, जीरो लिखिएगा मतलब फॉल्स, वन लिखिएगा मतलब अगर ट्रू फॉल्स करना होगा तो ये जीरो और वन पे ही जीरो करना और वन, पड़ेगा। हाँ जीरो और वन। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, चलिए। तो वाइल वन का मतलब ये कैसा लूप है, ये ट्रू है सर, इनफिनाइट, जब तक ये कैसा ट्रू लूप है, लगा ट्रू। इनफिनाइट लूप है। इससे बाहर निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं पे ब्रेक लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो ब्रेक वाइल में लगा, ब्रेक लगाना पड़ता है ना, हाँ सर, वो इनफिनाइट लूप में ब्रेक लगा। एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रक्ट का पर्सन, और रीड करेंगे, और उसमें हम क्या पास किए हैं, फाइल एंड पर्स, फाइल का ये फाइल फाइल का एंड तो पॉइंटर पर्स है, सर, फाइल का तो एड्रेस पॉइंटर है, राइट। और इसमें फाइल ओपन कौन सा किए हैं, वही वाला फाइल, फाइल नेम में क्या जो रखे हैं, राइट। सर, नहीं समझे। यहाँ पे फाइल नेम में क्या लिखे हैं, यहाँ पे ओपन किसको कर रहे हैं, फाइल नेम, फाइल नेम में क्या है, फाइल नेम में पीपुल डॉट टैक्स है, पीपुल तो फाइल कौन सा ओपन होगा, डॉट टैक्स कौन से मोड में, रीड मोड में। रीड मोड में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, रीड पर्सन फ्रॉम, फाइल एंड पर्सन, नहीं, फंक्शन का नाम हम बनाया है रीड पर्सन फ्रॉम फाइल, ठीक है। इसमें पास क्या किए हैं, फाइल पॉइंटर, फाइल फाइल उसका पॉइंटर, एड्रेस, हाँ उसका एड्रेस एक स्ट्रक्ट का भी वेरिएबल का एड्रेस क्या पास किए हैं, स्ट्रक्ट का वेरिएबल का एड्रेस। राइट। अब इस फंक्शन में जाके देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फाइल को रीड करने के लिए क्या लिखे हैं, परसेंटेज ई स्कैनर, स्कैनर, एफ स्कैनर, एफ स्कैनर, स्कैनर से कहाँ एफ से इनपुट स्कैनर, होता है, स्टैंडर्ड इनपुट से, और हाँ एफ स्कैनर से स्कैनर, कहाँ से इनपुट होगा, स्टैंडर्ड इनपुट, फाइल से कहाँ से होगा, फाइल स्कैनर से फाइल, कैसे इनपुट करते थे, कंसोल से इनपुट करते थे ना, हाँ प्रिंटर या स्कैनर, हाँ, और एफ स्कैनर से कहाँ से इनपुट होगा, फाइल से। फाइल से, ठीक है। तो फाइल से इनपुट करना है, कौन से फाइल से, ये कहाँ लिखा हुआ है, फाइल ये फाइल बनाया हुआ है ना सर, पॉइंटर पीपुल में, डॉट राइट, टैक्स, फाइल पॉइंटर में, राइट। ये हाँ फाइल हम लोग पास किए थे ना, वो यहाँ आ गया ना, हाँ सर, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्ट का पॉइंटर है, क्योंकि हम लोग एड्रेस पास किए थे पर्सन में, और हम लोग क्या लिख रहे हैं कि एफ स्कैनर परसेंटेज, पर्सन में भी हाँ, पॉइंटर लगाए हैं सर। क्यों, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, रीड करना है, और वैल्यू को कहाँ भेजना है, जहां से कॉल किए वहां पे ना,
हाँ एड्रेस, जहाँ से इसलिए एड्रेस। एड्रेस पे अगर आप वैल्यू डालिएगा तभी ना वहां पे दिखेगा। हाँ सर, ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रीड क्या कर रहे हैं, परसेंटेज डी, उसके बाद एक कॉमा है, रीड कर रहे हैं हाँ सर, क्योंकि हम लोग लिखे भी क्या हैं, पहले आईडी डाले हैं फिर कॉमा डाले हैं, हाँ सर, नेम के बाद फिर कॉमा हाँ है ना, और उसके बाद एज है, इसलिए हम लोग पहला परसेंटेज डी के बाद हम लोग क्या रीड कर रहे हैं। पर्सन, एड्रेस ठीक ऑफ है, एड्रेस पर्सन। ऑफ पर्सन नहीं, अब देखिए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में जब अगर आप पॉइंटर है, स्ट्रक्चर में क्या है पॉइंटर, पॉइंटर है, तो उसका अगर वेरिएबल आपको यूज करना है तो आपको लिखना पड़ता है ये वाला चीज, ग्रेटर डैश देन और माइनस, लेस देन माइनस। नहीं, डैश और एरो या हाइफन एरो। अच्छा, ठीक है, हाइफन एरो, एरो और अगर पॉइंटर नहीं रहता तो डॉट। तब दैट पर्सन और आई डॉट ई आई डी। ठीक है, पर्सन नहीं रहता तो डॉट लगाते, और जब पॉइंटर है, सॉरी पॉइंटर नहीं रहता तो डॉट लगाते, और पॉइंटर है तो एरो लगाते हैं। बात समझ गए, तो यस सर, एरो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, पॉइंटर है। हाँ पॉइंटर है, एस्ट्रेक्ट का पॉइंटर है। ठीक, यस सर, अब यहाँ पे स्कैनर फंक्शन में चेक क्या कर रहे हैं कि ये इक्वल टू वन है कि नहीं, अब ये होता क्या है, तो जब से व्हाट स्कैनर इक्वल से हम टू वन है कितना, ना सर, ध्यान से सुनिए, इफ स्कैनर से हम कितना वैल्यू रीड कर रहे हैं, परसेंटेज डी एक एक एक, अगर ये एक वैल्यू को रीड कर लेगा तो ये रिटर्न करेगा वन, क्या रिटर्न करेगा वन। वन, यस इफ स्कैनर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत, और अगर वो नहीं रीड नहीं कर पाया सही सही से, अगर वो रीड कर पाया, नहीं कर पाया सही सही से, तो ये रिटर्न कर देगा कुछ और, वो जीरो या कुछ और रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब वो वन रिटर्न नहीं नहीं करेगा, करेगा। तो हम बोल रहे हैं कि अगर वन नहीं रिटर्न करो तो इसके आईडी में क्या भेज दो, एक माइनस भेज दो, माइनस माइनस वन, क्या भेज दो, वन भेज, माइनस वन भेज दो, कोई दिक्कत। नहीं सर। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, तो ये तो आईडी पढ़ लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंडेक्स लिए हैं जीरो, कैट सी एच किए हैं, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना करने का जरूरत नहीं है। ओके, इतना करने का जरूरत नहीं है, इट से ही रीड कर लेते हैं। मतलब हर तरह से रीड कर सकते हैं हम, अभी एफ गेटेस सब करते हैं ना, हाँ सर, एफ गेटेस किए हैं ना, तो एफ गेटेस से हम लोग नाम रीड कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से रीड करेंगे, वाइल का उसी से हो जाएगा ना, फिर से बोलिए। वाइल को रीड करेंगे तो उसी से हो जाएगा। हाँ, फाइल्स को रीड करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है, एफ गेटेस है, एफ का मतलब फाइल, तो यहाँ पे हम लोग वहां पे एस टी डी इन लिखते थे राइट, हाँ सर, यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं फाइल, तो अभी कहाँ से रीड करेगा एफ गेटेस, फाइल से, फाइल से, फाइल में किसका फाइल पॉइंटर है, पीपल डॉट टीएक्सटी का राइट, फाइल फाइल पॉइंटर का ना। पीपल डॉट टीएक्सटी का ना, हाँ सर, फाइल में फाइल पीपल डॉट टीएक्सटी है ना। हाँ फाइल डॉट फाइल में, हाँ ठीक है, और यहाँ पे रीड करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू कहाँ जाएगा, इन पर्सन नेम में जाएगा ना। संडे में जाएगा। ठीक है, और इसमें से अब हम लोग क्या करेंगे, नाम इनपुट कर लिए, और उसके बाद क्या करेंगे उसमें से, रिमूव रिमूव दैट इसमें से ये क्या करेगा, पर्सन नेम स्टार, ये तो स्लैश एन, जो एसटीआरटीएन। एस टी आर टी ओके से करते थे वही काम, एक हाँ और स्लैश एस टी आर टी, एन, जो जीरो आएगा सर उसको हटा दो। यस करेक्ट, तो ये जो आपका स्लैश एन जो है हटा देगा। ठीक है, हाँ सर, नो कोई दिक्कत, सर, अब हम क्या करेंगे, तो आईडी रीड कर लिया, नाम रीड कर लिया, और स्लैशन जो था वो हटा लिया, अब क्या करेंगे, एज रीड करेंगे, क्या रीड करेंगे, एज एज, एज, एफ स्कैनर, फाइल से रीड करना है परसेंटेज डी, और एज के बाद हम लोग वहां पे क्या लिखे हैं, स्लैशन लिखे हैं ना, नया लाइन हाँ लिखे हैं सर, ना, तो इसलिए यहाँ पे एज के बाद हम लोग स्लैशन भी ले रहे हैं, सॉरी हाँ, एज के बाद क्या ले रहे हैं, स्लैशन स्लैशन, तो दिक्कत इसमें, नहीं सर, फाइल रीड करना आ गया,
हाँ जो सर, कमेंट है उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है कमेंट। और अगर आप एक ही लाइन में चाहते तो आप इससे भी कर सकते थे, एक ही लाइन में अगर तीनों चीज चाहते रीड करना तो आप इससे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एफ स्कैनएफ लिखा हुआ राइट। स्कैनएफ में क्या होता है प्रॉब्लम, ब्लैंक वो स्पेस के आईटी बाद, लेता है ना सर। ब्लैंक स्पेस के बाद नहीं लेता है। एफ स्कैनएफ क्या करेगा परसेंटेजेस के साथ, वो ब्लैंक स्पेस नहीं लेता। हाँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, ये नया चीज देख रहे हैं, हाँ सर। ये क्या करेगा पता है, नहीं ये सर। तब तक रीड करेगा जब तक कि इसको कॉमा नहीं मिलता है, तब तक रीड करेगा कॉमा जब तक इसको कोमा नहीं नहीं मिलता। मिलता है। बात समझ में आ गया, यस सर। इसका यही मतलब होता है ठीक। परसेंटेज इसको क्या पढ़ेंगे सर, वो इसको परसेंटेज क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज तो परसेंटेज ही है ठीक है, ये हाँ स्कैनिंग का फैसिलिटी है, इसको हम क्यों क्या होता है स्कैनिंग करने का फैसिलिटी ठीक सर, है। इसका स्कैन सेट, नाम क्या है सर? इसका नाम है स्कैन सेट। स्कैन सेट ठीक है, काम बस वही करेगा, जब तक इसको कोमा नहीं मिलेगा तब तक रीड करेगा। तब तक रीड कोमा करेगा, मिलने के बाद क्या करेगा सर? उसके आगे नहीं रीड करेगा, कॉमा तक ही रीड करेगा। तो इसमें जैसे ये है, कोई मतलब पर्सन है, पर्सन सिलेक्शन देखिए रुक आईडी है, पर्सन जाइए, है, वेट वेट इसमें तो वेट कोमा मिल रहा है। वेट वेट वेट, तो हम लोग सबसे पहले लिखे हैं परसेंटेज डी लिखे हैं ना, हाँ सर, अब कॉमा, तो ये आपका जाएगा किसमें, आईडी में ठीक आईडी में जाएगा। है। दूसरा चीज क्या है, नाम, दूसरा चीज क्या है, हाँ नाम, नेम। नाम। तो नाम में हम बोले कि जब तक कॉमा नहीं मिलता है ना तब तक तुम सर्च करो, मतलब तब तक रीड करो, और वो सब चीज कहाँ डाल दो, पर्सन, पर्सन नेम में। बात समझे, क्यों हम कॉमा का कंडीशन दिए हैं, क्योंकि नाम में तो स्पेस रहता है ना, नेम। हाँ सर। अगर हम परसेंटेज एस लगा देंगे तो स्पेस के आगे नहीं रीड करेगा ठीक है। तो वैसे तो चीज के लिए स्पेस आपको क्या यहाँ को पे कोमा दिया, समझेगा, हाँ स्पेस को कोमा समझेगा ये। हाँ स्पेस को कॉमन ही समझेगा, हम लोग जो नाम इनपुट किए हैं, रुक जाइए, ये जो राइट किए थे जब राइट किए थे तो यहां पे देखिए तो कॉमा डाले हैं, सर। तो स्पेस को कॉमन ही समझेगा, तो आईडी के बाद कॉमा दिए हैं, नेम के बाद हाँ भी सर। कॉमा दिए हैं, और एज के बाद क्या दिए हैं, सिलेक्शन दिए हैं। ऐसा ही ठीक है, कोई दिक्कत। नहीं सर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या रीड कर रहे हैं, तब तक रीड करो जब तक कॉमा नहीं मिले, स्पेस पे नहीं रुकना है, कब रुकना है कॉमा कोमा में रुकना है सर। पे, और यहाँ पे रीड क्या कर रहे हैं परसेंटेज डी के बाद स्लैश एन, तो रुक जाना है। परसेंटेज हाँ डी के बाद, तो ये एज में आएगा ठीक है। तो यहाँ पे सर। कितना वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं हम, 1 2 3 वैल्यू राइट, हाँ तीन ना, सर। तीन। अगर तीनों वैल्यू को सही सही रीड करके वेरिएबल में डाल दिया तो एफ स्कैन अप रिटर्न करेगा 3, क्या रिटर्न करेगा 3। थ्री। तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं, रीड करो और अगर ये 3 नहीं है तब मैं रिटर्न क्या कर दो, -1 रिटर्न कर माइनस दो। वन, और अगर 3 है तब तो वैल्यू आ ही गया ना, हाँ सर। 3 कब आएगा इसमें, जब इसमें वैल्यू सही सही जाएगा। कोई तो दिक्कत, शिवानी समझ में आया ये आपको, यस भैया। आप ऐसे ही प्रोग्राम बनाई हाँ ऐसे ही बनाए थे, पर ये 37 लाइन वाला यूज नहीं किया है। ठीक थी, ओके ठीक है, करके देखिएगा ठीक, है। दिक्कत चलिए। तो ये भी एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका ये है जो हम पहले लिखे हैं ठीक है। तो हम हर तरह से लिख के दे दिए हैं, गेट कार से करना है गेट कार से कर लीजिए, है ना, गेटस से करना है गेटस से कर लीजिए, जैसे मैंने वैसे कीजिए ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। तो हम लोग यहीं पर फंक है ना, हम लोग इसको कॉल करते हैं इस फंक्शन को, लूप के अंदर में इस फंक्शन को कॉल करते हैं, वो एक रिकॉर्ड रीड करेगा, और अगर ये -1 कब आएगा,
परसेंट आईडी में -1 कब तो आएगा? उस जब सब में सर 0 सही से नहीं आएगा, मतलब काम मतलब वैल्यू सही से रीड नहीं किया तो क्या होगा? -1, इसका मतलब -1 कुछ गड़बड़ है। तो हम लोग को क्या करना है? लूप से बाहर हो जाना है, प्रिंट बाहर निकलना है, और नहीं तो वैल्यू को करवाना है सर। प्रिंट करवाना है। कोई दिक्कत इसमें नो सर। नहीं? ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या किए फाइल को, फाइल को रीड किए हैं, क्लोज और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं सर, क्लोज कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी फाइल को हमको अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट करना है। अपडेट अपडेट करना है। तो हम यहाँ क्या लिखे, एक पर्सन का एक स्ट्रक्चर ले लिया, स्ट्रक्चर ले लिया पर्सन टू अपडेट। आईडी क्या डाले हैं? वन डाले हैं। और नाम में डाल दिए हैं न्यू समथिंग, और एज में 40 40, 40 की जगह हम लिख देते हैं 60। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। अभी हम लोग किसको अपडेट कर रहे हैं? अभी ये नाम एज किसको किसको अपडेट करना चाह रहे हैं? यहाँ पे ले आई रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट 1। क्या किया है? 1 1 को को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो एक वेरिएबल ले लिया, उसमें कोई वैल्यू डाल दी है। ठीक है, कि किसको अपडेट करना है तो 1 को अपडेट करना है। एक फंक्शन बनाया अपडेट रिकॉर्डिंग फाइल, क्या बनाया है? अपडेट अपडेट रिकॉर्ड रिकॉर्डिंग फाइल। फाइल। उसके बाद फाइल नेम डालें रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट, इसमें क्या जाएगा? 1 अपडेट होगा सर, 1 जाएगा 1 जाएगा। और नया वैल्यू कहाँ लिखे हैं, वो पर्सन में है, पर्सन अपडेट है ना? तो इसमें क्या आईडी में 1 है, नेम में ये है, और एज में 60। 60 है, राइट? उसके बाद फिर से हम रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। तो पहले अपडेट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे। ठीक है, अपडेट वाला फंक्शन देखें। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए अपडेट करने में क्या करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो पहले समझ लीजिए बाद में प्रोग्राम देखें। तो हम लोग के पास एक फाइल है, उसका नाम क्या है? पीपल डॉट टीएक्सटी, राइट? क्या नाम है? पीपल डॉट पीपल टीएक्सटी। डॉट टीएक्सटी इसी में हम लोग सारा रिकॉर्ड डाले हैं, रिकॉर्ड इसी में डाले हैं ना? यस भैया। अब हम लोग को क्या करना है इसमें से, वी वांट टू अपडेट, वी वांट टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, राइट? वी वांट टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, राइट? अब इसमें से हम लोग जो अभी अपडेट करना चाह रहे हैं, किसको अपडेट करना चाह रहे हैं? आईडी किसका है? आईडी इक्वल टू 1 है सर। करना चाह रहे हैं, राइट? तो अभी हम लोग यहाँ पे लॉजिक क्या है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा पीपल डॉट टीएक्सटी है उसको हम लोग रीड मोड में खोलेंगे। किस मोड में खोलेंगे? रीड मोड ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल फाइल इन रीड मोड। किस मोड में खोलेंगे? रीड मोड में। और उसके बाद क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल इन राइट मोड। क्या करेंगे? एक नया फाइल बनाएंगे राइट मोड में। सिंपल सा चीज है, मान लीजिए कि आपका ये पीपल डॉट टीएक्सटी, पीपल डॉट टीएक्सटी, इसमें आप क्या क्या लिखे हैं, इसमें लिख दिए हैं एक, और क्या लिखे थे, नाम लिखे थे सत्यम, ठीक है, और क्या लिखे थे, एज कुछ लिखे थे, ठीक है, दूसरा लिखे थे 2, और नाम लिख दिए थे कुछ भी लिख दिए थे, राइट? कुछ लिखे थे, क्या लिखे थे, अमित लिखे थे, राइट? अमित कुमार, और उसके बाद एज कुछ लिखा होगा, जो भी, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है पीपल डॉट टीएक्सटी में। हमको क्या करना है कि 1 जहां पे है उसको बदल के क्या करना है, उसका नाम बदल के कुछ और रख देना, और एज करके क्या रख करना है, 60 करना है ना? हाँ सर। ठीक है, हम क्या किए, इस फाइल को रीड मोड में खोले, पीपल डॉट टीएक्सटी को किस मोड में खोले, रीड रीड मोड में मोड में। मान लेते हैं यहाँ पे अब 3 डाल देते हैं, 3 सुरेश, ठीक है, 70 साल, ठीक है। मान लेते हैं हमको 3 नंबर को चेंज करना होता, किसको चेंज करना पड़ता, 3 नंबर को 3 को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीपल डॉट टीएक्सटी को रीड मोड में खोले हैं, और इसका सारा रिकॉर्ड रीड करेंगे, पहला रिकॉर्ड रीड करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद रीड करने के बाद चेक करेंगे कि आईडी क्या है, वन है कि नहीं है, सॉरी तीन है कि नहीं है, बात समझे। क्या करेंगे, यस फाइल को सर, क्या करेंगे, रीड करेंगे उसके बाद चेक करेंगे कि आईडी करेंगे। 3 है कि नहीं। यस, तो पहले रीड किए, चेक किए आईडी मिला कि नहीं मिला, फिर दो को में जाएंगे, मिला कि नहीं मिला, फिर तीन में जाएंगे, मिल गया। तो जब मिल जाएगा तो क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम इसको चेक करेंगे और इधर लिखेंगे एक नया फाइल बना दिए, न्यू फाइल, क्या लिखे हैं, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, ये नया फाइल बना दिए, ठीक है। अब इसमें से हम क्या बोलेंगे, पहला नाम, पहला रिकॉर्ड इसका रीड करेंगे, एक सेकंड, ये पहला रिकॉर्ड रीड किए, फिर उसके बाद चेक किए कि इसका आईडी तीन है कि नहीं है, तीन मिला नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इस रिकॉर्ड को हम नया फाइल में लिखेंगे, कहाँ लिख देंगे, नए फाइल में, कोई दिक्कत है इसमें, हेलो, नहीं सर, ठीक है। उसके बाद फिर हम रीड करेंगे किसको, टू को, और वो भी हमको मैच, वो भी हमको तीन तो नहीं मिला तो टू मिला, तो टू को भी हम राइट कर देंगे, बात समझे। तो नया फाइल में क्या किए हैं, रोल नंबर वन और टू लिख दिए हैं, हाँ हेलो, सर, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिला, तीन मिल गया, यस सर, तीन मिलेगा तब क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर में जो अपडेट भी वेरिएबल करना है ना उसका वैल्यू को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, है, अपडेट करेंगे सर। हाँ, तो नया वाला जो हमको स्ट्रक्चर है ना, अब हमको तीन मिल गया तो ये जो वैल्यू आया उसको राइट नहीं करेंगे, जो नया वैल्यू है उसको राइट कर देंगे, क्या राइट कर देंगे, इसमें नया वैल्यू को राइट कर नया देंगे। वैल्यू को, तो नया फाइल में क्या हो गया, पुराना रिकॉर्ड भी आ गया और नया रिकॉर्ड भी आ गया, हाँ सर, मतलब ये भी रहेगा, दूसरा जो है मतलब फाइल बनेगा उसमें हाँ ये 3 का अपडेट होके आएगा। अपडेट हो के आएगा, बाकी जो था एज इट इज रहेगा, जिसको चेंज करना था उसको अपडेट कर दिए, कोई यस, दिक्कत। उसमें वो फाइल दूसरा नया बनाना अब तो नया फाइल बनाया ना, है। हाँ, नया फाइल में हम लोग क्या किए, पुराना वाला तीसरा रिकॉर्ड, आएगा तो अपडेट करना है, मतलब फिर से बोलिए। तीसरा जो रोल नंबर आएगा या आईडी आएगा उसको अपडेट करना है। उसको तो लिखना ही है, पहला दूसरा को भी लिखे ना, हाँ, पहला दूसरा को भी लिखना है, अपडेट पहला दूसरा हूबहू लिख दिया, और तीसरा को क्या किए, कर दें। जो नया वैल्यू आया वो लिख दिए, हाँ सर, ठीक। उसी के बाद उसी तरह से आगे बढ़ते जाते, अब यहाँ पे इसके आगे इसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो यह लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तीन रिकॉर्ड आपके पास आ गया, इसमें नया फाइल में, हाँ सर, इसमें अपडेटेड रिकॉर्ड आ गया है, हाँ आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फाइल को डिलीट कर देंगे, इस फाइल को क्या कर देंगे, हाँ पहले वाले फाइल को पहले वाले फाइल को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, और इस फाइल को रीनेम कर देंगे, इस फाइल को क्या कर देंगे, रीनेम, रिनेम इसका रीनेम करके क्या नाम रखना चाहिए, पीपल डॉट टैक्स। बात समझ गए। यस सर, अपडेट कैसा होगा देख लिए, हाँ सर, पहले अपडेट करके उसको डिलीट करेंगे, फिर उसको रीड मोड में ओपन करेंगे। समझ, ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए सत्यम। सबसे पहले क्या किए थे, फाइल को रीड मोड में ओपन किए थे, हैं हाँ सर, यस सबसे पहले सर, क्या किए रिमोट थे, फाइल को रीड मोड में ओपन किए, एक एक करके रिकॉर्ड रीड किया, अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं, अब मैच किया तो जो नया रिकॉर्ड है वो नया फाइल में लिख देंगे, ठीक। अब आपके पास नया फाइल में क्या आ गया है, पुराना रिकॉर्ड प्लस नया अपडेटेड रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। ठीक है, पुराना यस सर, प्लस अपडेटेड आ गया। हाँ अब हम लोग क्या किए, पुराने फाइल को डिलीट, अब हमको पुराने फाइल का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें तो पुराना रिकॉर्ड है ना, हमको तो नया रिकॉर्ड चाहिए ना, यस सर, तो पुराने फाइल को रिकॉर्ड, पुराने फाइल को डिलीट, और नए फाइल का नाम बदल के पुराना, पीपल डॉट और टेक्स। बात समझ गए, तो पीपल डॉट टीएक्सटी में क्या आ गया, नया रिकॉर्ड आ गया, हाँ सर, कोई दिक्कत। नहीं सर, अब इसी चीज का लॉजिक जो है हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, शिवानी समझ में आ गया आपको, यस भैया, समझ में आ गया है क्या करना है हम लोगों को, हाँ ठीक है। चलिए अब इसी चीज का हम लोग प्रोग्राम देखते हैं।
तो हम लोग अपडेट रिकॉर्डिंग फाइल किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फाइल को किस मोड में खोल रहे हैं, रीड मोड में सर, फाइल कौन से फाइल को, नेम, फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब पीपल डॉट टीएक्सटी, राइट। यस सर, अब फाइल नहीं खुलेगा तो एरर आएगा। अब दूसरा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फाइल फाइल वो पॉइंटर लगाए हैं, टेम फाइल, ओपन एफ ओपन, टेम्प डॉट टेक्स्ट, वो राइट मोड में किया, न्यू फाइल राइट राइट मोड मोड में में, खोला। ये कैसा यस, फाइल है, टेम्प्रोरी टेम्प फाइल है, हाँ फाइल, टेम्प्रोरी फाइल, ठीक है अब क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्ट पर्सन एक ले लिए हैं, और हाँ व्हाइल सर, नॉट एफ ई ओ एफ, एफ ई ओ का मतलब जब तक इंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा, इंड ऑफ फाइल, एफ ई ओ का मतलब जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आपको तो मिलेगा, पहले वाला भी प्रोग्राम में था, राइट। एफ यू एफ लास्ट वीक हाँ में भी बता चुके हैं, ये सिंपल फाइल में भी एफ यू एफ था ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल फाइल को रीड कर रहे हैं, किसको रीड कर रहे हैं, ओरिजिनल फाइल को, फाइल यही ना ओरिजिनल फाइल है, फाइल नेम। नेम, यस सर, ठीक है, तो जब तक रिकॉर्ड जो है आपको ब्लैंक नहीं मिलेगा, तब तक क्या करेंगे, ऐप स्कैनअप करेगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज के बाद क्या लिख दिए हैं, 4S लिखे, फोर फोर्टीन परसेंटेज के बाद क्या लिखे हैं, 49। परसेंटेज के बाद क्या लिखे है, हैं, 14 है, 14 है सर, 49। हाँ सर 49, 49 का मतलब हो गया, और उसके बाद फिर ये ब्रैकेट में क्या लिखे हैं, कैरेट सिंबल और कॉमा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, या तो ये तब तक पढ़ेगा जब तक इसको कॉमा नहीं मिले, लेकिन मैक्सिमम कितना कैरेक्टर पढ़ेगा, 49, 49। बात समझ में आ गया, यस इसका सर, मतलब समझ गए, मैक्सिमम 49 ही कैरेक्टर पड़ेगा, उससे ज्यादा लिख दीजिएगा तो नहीं पढ़ेगा, ठीक। यस सर, और उससे पहले क्या है, परसेंटेज डी, और उसके बाद परसेंटेज परसेंटेज डी, तो पर्सन आईडी और परसेंटेज, परसेंटेज डी के साथ है, और पर्सन नेम के लिए क्या है, ये वाला स्कैन सेट है, ठीक है। कि कब तक पढ़ेगा, अप टू 49 कैरेक्टर। क्यों 49 लिखे हैं, क्योंकि नेम में हम लोग कितना कैरेक्टर डाले हैं वहां पे एरे में, 50 सर, 50। तो उसमें लास्ट में क्या आएगा, नल जीरो कैरेक्टर आएगा आएगा, जीरो, ना, स्लैश जीरो आएगा ना, तो इसलिए हम लोग को कितना रीड हाँ करना है, 49, 49 तक। बात समझ गए, 49 कैरेक्टर, ठीक। कोई हाँ सर, दिक्कत, नो सर, यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, वैल्यू को, वैल्यू को क्या होना चाहिए, 3। क्या होना चाहिए, तीन, थ्री, 3, का मतलब तीनों वैल्यू अगर सही सही रीड हो गया है तो वैल्यू क्या आएगा, तीन आएगा, ये नहीं। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिर से चेक कर रहे हैं, अगर पर्सन आईडी क्या है, रिकॉर्ड टू अपर, ई अपडेट, रिकॉर्ड टू अपडेट है, तो हम लोग यहाँ पे हाँ क्या लिखेंगे, अपडेट प्रॉपर, अपडेट पर्सन, अपडेटेड पर्सन, मतलब जो नया जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, यस सर, और अगर नहीं तो नहीं तो पर्सन, पर्सन में क्या आ रहा है, वही तीनों वैल्यू, राइट। हाँ सर, इस फाइल से रीड किए हैं, कोई दिक्कत, नहीं सर, तो ये लूप ओरिजिनल फाइल से चलेगा और रीड, लिखा जाएगा, या तो वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड लिखेगा या फिर वो सही रिकॉर्ड लिखेगा, सही रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड लिखेगा, हाँ सर, ठीक है। पहले सही सही रीड किया, अगर पर्सन आईडी मैच किया तो एग्जिस्टिंग पर्सन आईडी जो है मैच किया तो नया रिकॉर्ड, और मैच नहीं किया तो पुराना रिकॉर्ड सर, पुराना रिकॉर्ड, कोई दिक्कत इसमें, नो सर, और नहीं, और अगर जो है क्या वैल्यू अगर सही सही रीड नहीं किया तो क्या कर देना है, लूप से बाहर हो जाना है, बाहर हो जाना है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आ गया है, यस सर, फाइल अब क्या कर रहे हैं, को क्लोज कर रहे हैं दोनों फाइल सर, को क्लोज, दोनों फाइल को क्या यस कर सर, क्लोज दिए, कर रहे हैं, ये क्या करेगा, रिमूव, एक फंक्शन है, रिमूव फंक्शन है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, तो रिमूव से क्या करेगा, फाइल को डिलीट कर देगा, रिमूव क्या करेगा, हाँ सर, फाइल नेम को डिलीट कर देगा, फाइल को डिलीट करेगा, रीनेम क्या करेगा, वो सर जो नया फाइल बनेगा उस रीनेम करेगा, टेम्प, रीनेम का मतलब हाँ नाम बदल देगा, रिमूव, राइट। हाँ तो सर, पूरा नाम नया जो टेम्प डॉट टीएक्सटी है उसका नाम बदल के क्या कर देना है, फाइल नेम कर फाइल देना नेम का नाम है, ठीक है।
यस सर, यही चीज ना लिखे थे, यही चीज आपको हाँ बताए सर, थे, हाँ सर, न्यू ठीक फाइल है? को फाइल पीपल डॉट टैक्स मेरे नाम का। ठीक है, चलिए। ये अपडेट समझ में आ गया? हाँ सर, अपडेट के बाद फिर से रीड करना है, फिर से क्या कर रहे हैं रीड करना है। ताकि रीड करके देखेंगे कि अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे रीड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चेक करना है कि फाइल में क्या है, फाइल खुला कि नहीं खुला। हेलो, यस सर, तुमको नींद आ रहा है क्या? जी अब यहाँ पे लूप चला के फिर वही प्रोग्राम जो पहले लिखे थे रीड करने के लिए, ठीक? व्हाइल वन इनफिनाइट लूप, रीड पर्सन फ्रॉम फाइल, पर्सन में रीड करेंगे, अगर माइनस वन आएगा तो ब्रेक, और नहीं तो उसका वैल्यू प्रिंट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? प्रिंट सेम प्रोग्राम करना। हम कॉपी पेस्ट किए हैं, फिर फाइल को क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, डिलीट यहाँ पे रिकॉर्ड डिलीट फ्रॉम, ठीक रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल पीपल डॉट टेक्स्ट, टू नंबर जो डिलीट कर देंगे, रोल नंबर जिसका होगा। ठीक है। तो इसको डिलीट करने के लिए भी हम फंक्शन बनाया है, इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। तो डिलीट करने का और अपडेट करने का लॉजिक लगभग सेम है, ठीक है? तो आपके पास कौन सा फाइल है, डिलीट पीपल डॉट टेक्स ना, पीपल डॉट टेक्स्ट? हम बोले रोल नंबर 2 को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है? रोल नंबर 2 को डिलीट करना यहाँ पे भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको जो है रीड मोड में खोलेंगे। पीपल डॉट टेक्स्ट को किस में खोलेंगे, है, रीड रीड मोड में, मोड और में एक टेम्पररी फाइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक टेम्पोररी फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, रीड करेंगे किसको, हर रिकॉर्ड को, रिकॉर्ड रिकॉर्ड थ्री वन बाय वन, तो वन वाला है, टू वाला है और है, थ्री है, ठीक है? मान लेता अगर तीन है तो, ठीक है, हमको डिलीट किसको करना है, दो दो को बार। तो जैसे वन मिला, वन को तो डिलीट नहीं करना है ना, नहीं तो सर, इसको क्या कर उसको देंगे, टेम्पोरी वैसे वैसे फाइल में लिख उसको देंगे, करेंगे, ठीक है? और टू मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। उसको नहीं लिखेंगे, उसको जो है टेम्पोरी फाइल में अच्छा, नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और फिर तीन मिलेगा तो क्या करेंगे उसको, लिखेंगे सर। तो टेम्पोरी फाइल में कौन कौन आया, वन वन और और थ्री थ्री, टू नहीं ना आया, नहीं सर, नहीं आया। अब अंतिम में फिर क्या करेंगे, पीपल डॉट टीएक्सटी को पीपल डॉट टीएक्सटी डिलीट, को डिलीट कर देंगे। हाँ सर, टेम्पोरी फाइल का नाम बदल के, पीपल डॉट टेक्स और अब पीपल टेक्स डॉट टीएक्सटी में कौन कौन सा रिकॉर्ड है आपके पास, एक और तीन। दो गायब, हाँ सर, बात समझ में आ गया, डिलीट करना। यस सर, हाँ सर, चलिए, तो वैसी चीज का यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिए हैं, चलते हैं उस फंक्शन में जो हम लोग को डिलीट करना है। सबसे पहले किस फाइल, उस फाइल को जो ओरिजिनल फाइल है उसको किस न, क्या, कैसे खोले हैं, फाइल ओरिजिनल कॉल्ड फाइल टेम्पररी कैसे खोले, फाइल किस डॉट ओपन फाइल नेम मोड वन, में, रीड रीड मोड में, मोड रीड में, मोड हाँ, में खोले हैं सर, और टेम्पोररी फाइल को राइट मोड में। अभी राइट मोड में। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं, कब तक, वही ईएफओ मत फाइल लास्ट लास्ट तक लास्ट सर, तक, राइट? और रिकॉर्ड को रीड करेंगे, और रिकॉर्ड को रीड करने के बाद कहाँ आएगा, पर्सन में आएगा, ठीक है? और हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इंड ऑफ फाइल नहीं है, क्या है, इंड ऑफ फाइल नहीं है, नहीं है, और पर्सन जो आईडी है वो क्या है, टारगेट आईडी के बराबर टारगेट आईडी के बराबर बराबर हो नहीं कि है, नहीं हो, अगर नहीं है तो क्या कर दो, राइट पर्सन टू फाइल कौन से फाइल में, टेम्प फाइल में, टारगेट टेम फाइल में लिख दो। तो अगर वो टारगेट आईडी नहीं है तब क्या होगा, तो उसको टेम्प फाइल में लिख देंगे सर। लिख देंगे, बात समझ में आ गया? और अगर टारगेट हाँ और उसके बराबर होगा तो क्या होगा, सीधा इफ से बाहर चला जाएगा, राइट? फिर अपना दूसरा रिकॉर्ड रीड करेगा। तो मतलब जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसको छोड़ के बाकी सारा रिकॉर्ड को क्या कर दिए हम, लिख दिए हैं,
नया फाइल में लिख दिए, राइट। हाँ सर, टेम्प फाइल में क्लोज सिंपल लॉजिक, उसका क्या किया, दोनों फाइल कर दिए, रिमूव उसका क्या करेंगे, रिमूव द फाइल नेम, मतलब वो वाला डिलीट कर देंगे सर, कौन सा पीपल डॉट टेक्स्ट। ओल्ड फाइल, हाँ ओल्ड फाइल, ठीक है, उसका क्या किए हैं, फिर रीनेम कर देंगे। हाँ सर, नया फाइल बन गया, टेम्प कोई डॉट दिक्कत, टेक्स्ट फाइल नेम में रीनेम कर देंगे। समझ में आ गया है, हाँ सर। नो कोई दिक्कत इसमें सर। नहीं, चलिए। यहाँ पे डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद फिर से रीड कर रहे हैं ताकि हम लोग को देखें कि फाइल डिलीट हुआ कि रिकॉर्ड नहीं डिलीट हुआ हुआ, कि, ठीक है, बस हो गया। उसके बाद फाइल को क्लोज, क्लोज कर। कोई दिक्कत इसमें, नहीं सर। तो इसको जो है एक बार रन करा के देख लेते हैं। पीपल डॉट टीएक्सटी है ना, पहले से अगर बना होगा, क्योंकि तो आप पेन मोड में खोले हैं ना, अगर तो पहले से बना होगा तो उसमें रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, राइट। तो हम पहले उसको डिलीट करते हैं। क्या करते हैं, फाइल हैंडलिंग, इसको हम लोग रन करें, हाँ सर। हाँ इसको धीरे धीरे रन कराएं कि सीधे रन करा दें। एक बार में ही रन करा। एक बार में रन करा दें, हम सभी का ब्रेक पॉइंट लगा के रखे थे कि आप हमको वन बाय वन दिखाएंगे, बट देखिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं प्रोग्राम में, यहां से स्टार्ट है ना मेन, ये तो सबसे पहले रिकॉर्ड रीड कर रहा है ना, क्या कर रहा है, हाँ रिकॉर्ड सर, को रीड कर रहा हूँ। रीड कर रहा है। टोटल नहीं आया सर, क्या एज में इतना क्यों आया सर ये? नहीं देखते हैं ना क्या आया नहीं आया, एक सेकंड रुक जाएंगे, एज 2 आ गया, एज 2 मतलब। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, रिकॉर्ड फ्रॉम फाइल, सबसे पहले देखिए एक रिकॉर्ड डाले हैं और दूसरा रिकॉर्ड डाले हैं, डाले हैं, हाँ सर, इसमें क्या आ रहा है, आईडी नेम और एज। एज आ गया है, वहां गलत टाइप किया हुआ है, ये कहां से आ रहा है, कहीं पर गलत टाइप किया हुआ है, क्या गलत टाइप किया हुआ है देख लेते हैं। ये डिस्प्ले का फंक्शन है ना, डिस्प्ले का फंक्शन चेक करते हैं, हाँ डिस्प्ले में ही कुछ हुआ है, प्रिंटर ठीक में। है। डिस्प्ले में क्या करते हैं, आईडी लिख दिया है, नेम लिख दिया और एज लिख दिया, और एज में 1 और 2 लिखे हैं, इसका मतलब वेरिएबल का दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वेरिएबल का वेरिएबल का, या तो राइट करने में गड़बड़ किए हैं या रीड करने में, चेक करते हैं कहाँ पे गड़बड़ किए हैं। हाँ, वेट 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 वेट, यहाँ पे हो क्या रहा है, नेम में ही आपका सब कुछ आ जा रहा है, नेम में ही सब कुछ रीड कर रहा है, मतलब नेम को रीड करने का लॉजिक जो है क्या है, अलग है। हाँ सर, गलत है, बात समझे, वो नेम में ही वो क्या दिया सब कुछ सर? ले ले रहा है, ठीक हाँ है। सारा चीज दे दिया, मतलब आईडी सिर्फ अलग कर दिया, और वो एज में, एज को भी रीड नेम ही प्रिंट कर रहा है। करने का जो लॉजिक है वो क्या है, गलत गलत, ठीक है, उसको आप सही करना है, ठीक। क्यों हो रहा है, क्योंकि एफ गेटेस में हम लोग एफ गेटेस यूज कर लिए, राइट, और उसमें दे दिए साइज ऑफ नेम, उसका हाँ कैरेक्टर सर। कितना है, 50, राइट, कितना हाँ कैरेक्टर है, 50 है, तो 50 तक रीड कर रहा है। 50 कैरेक्टर रीड कर रहा है ना, तो सब कुछ रीड कर ले रहा है वो, बात हाँ करिए। इसलिए वहां पे हम लोग को क्या लगाना है, स्कैन सेट, क्या लगाना है, स्कैन सेट। हाँ सर, ठीक कोमा। यस सर। है, इसको जरा हम बंद करते हैं, उसको चार चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ तो वहाँ आप स्कैन सेट देखिए कि नहीं लग रहा है। एफ गेटर्स लगाने से क्या दिक्कत होगा, देख लिए, हाँ सर, वो 50 जितना करेक्टर देंगे वहां तक रीड करेगा वो। वहां तक रीड करेगा, तो इसीलिए हम लोगों को फाइल लैंडिंग जब कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्कैन सेट यूज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्कैन सेट, सर स्कैनर सेट कहां लिख दिए, स्कैन सेट। एक एफ स्कैनर, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज 49 तक आपको रीड करना है,
ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा दीजिए। अच्छा ठीक है, 49 तक, और ये कैरेट डालिए, कैरेट जो है 6 के ऊपर है, 6 देखिए आपके कीबोर्ड में है, 6 मिला। हाँ सर, ये स्कैन सेट क्या करता है? स्कैन सेट जो है स्कैनिंग करता है और चेक करता है कि कब तक हमको रीड करना है। स्कैन सेट तो वही ना, कोमा ही ना करेगा सर। यहाँ पे हम कॉमा लिखे हैं ना, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं ना कॉमा की जगह पे। अच्छा, जो उसके अंदर लिखेंगे वही वो रीड करेगा। हाँ ठीक है, तो फिलहाल ये है कि आपका कॉमा तक रीड करेगा, अगर ठीक ब्लैंक स्पेस लिख है। देंगे तो सर ब्लैंक स्पेस वो रीड करेगा। हाँ ठीक है, तब तक ये नॉट है, इसको बोलते हैं नॉट का सिंबल, निगेट का सिंबल, ओके सर, ठीक ठीक है। तो इसका पूरा एक लॉजिक है, फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए काफी है, ठीक। सर। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है आपका? वेरिएबल का नाम पर्सन है सर। नेम, ठीक है, इफ ना नॉट इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करना है, पर्सन आईडी। पर्सन आईडी -1 कर देना है। ठीक ये अपना लॉजिक है, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, यहाँ पे हम लिखे हैं पर्सन, पर्सन आईडी में आप -1 कीजिए, और वहां पे हम लोग -1 को चेक कर रहे हैं, राइट, हाँ सर, अपने हिसाब से कुछ भी लॉजिक लिख सकते हैं। निकेट 49, निकेट कॉमा, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ है, दो ब्रैकेट स्टार्ट किए, राइट, यस, ओके। और आप स्कैनर में आपको लिखना है क्या, आपको रीड कहाँ से करना है, फाइल सर। नो ठीक है, कोई दिक्कत, सर, चलो अब इसको फिर से रन करें। यहाँ पे ये बना है ना, इसको हटाते हैं, इसमें बहुत सारा कुछ, आप लोग जो है इसको ट्रायल एरर कीजिएगा खुद से, और चेक कीजिएगा कहाँ पे क्या काम हो रहा है, ठीक है। इसको हम हटा नहीं रहे हैं, आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा जो लिखा हुआ है उसको हम लोग अभी यूज करेंगे, रीड पर्सन फ्रॉम फाइल, ठीक। तो फाइल से रीड करेंगे, परसेंटेज डी कॉमा, फिर परसेंटेज डी जो भी है 1 बाय 1 रीड करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ, लिख देते हैं इफ एफ स्कैनर नॉट इक्वल टू 3, तो पर्सन हेलो, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, आप स्कैनर परसेंटेज डी, और ये स्कैन सेट लगा हुआ है, 49 वाला अगर यूज करना है तो 49 वाला भी यूज कर सकते हैं, ये भी काम करेगा वो भी काम करेगा, राइट। कहीं पे तो 49 वाला यूज किया ना रीड और राइट करने के लिए, तो आपको दोनों तरह से दिखा दिए, आपको जो भी मन होगा आप लोग दोनों तरह से यूज करके, दोनों तरह से रन करा के, और दोनों तरह से देख के अगला जो आप लोग प्रोजेक्ट हाँ रन भैया, बना रहे हैं, ठीक है, फिर से प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हो क्या रहा है, पूरा रन कर देते हैं एक ही बार, आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये रन हो गया है, अब देखते हैं कि हो क्या रहा है, मेन में जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या डाले हैं, दो रिकॉर्ड ऐड किए हैं, राइट, 1 सत्यम 30 और 2 अमित कुमार 35, है ना, ये दो रिकॉर्ड हम लोग कहाँ रखे हैं, स्ट्रक्ट में, उसके बाद क्या किए हैं, राइट टू पर्सन 1, राइट टू पर्सन 2, पर्सन 1 और पर्सन 2 को राइट किए हैं, हेलो, यस भैया, हम लोग क्या किए, फाइल को रीड मोड में ओपन किए, फाइल को क्या किए, रीड मोड में रीड ओपन मोड में किया। ओपन किए, और चेक किए कि फाइल ओपन हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद फाइल को रीड करना शुरू किए लास्ट तक, राइट, रीड फ्रॉम पर्सन कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं,
और वहां पे इससे वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा -1 अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो क्या प्रिंट किए हैं, आईडी कॉलन पर्सन आईडी, इसलिए पहला रिकॉर्ड मिला। फिर नेम कॉलन पर्सन नेम, उसके बाद एज कॉलन एज प्रिंट हुआ। उसके बाद स्लैशन, स्लैशन के बाद नया लाइन, ठीक। उसके बाद फिर से दूसरा रिकॉर्ड, आईडी टू नेम और आईडी, तो ये आपका दो रिकॉर्ड पहली बार प्रिंट होगा। दो रिकॉर्ड लिखे थे ना, कितना रिकॉर्ड लिखे थे, हाँ, दो रिकॉर्ड लिखे थे सर। दो रिकॉर्ड लिखे थे, दोनों प्रिंट हो गया। तो यहां तक तो ये पहली बार का काम है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नो सर। नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होता है। उस फाइल को क्लोज कर दिए हैं, उस फाइल को क्या किए, क्लोज कर दिया। फिर से आप क्या कर रहे हैं, एक नया रिकॉर्ड लिए, क्या लिए हैं, नया रिकॉर्ड, उसमें आईडी है 1, नाम में डाल दिए न्यू कुछ कुछ कुछ, और एज में क्या डाल दिया उसका, 60 60। आईएनटी रिकॉर्ड आईडी टू अपडेट में क्या लिखे हैं, वन लिखे सर, वन को तो अपडेट रिकॉर्ड आईडी करना है। जिसका 1 होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। यस चेंज होने के सर। क्या हो जाएगा, न्यू जीएफ जीएफ कुछ आ जाएगा और 60, ठीक है। 16 16 अपडेट रिकॉर्ड आईडी कॉल किया, उसके बाद फिर हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रिंट प्रिंट कर रहे हैं सर। तो कर रहे हैं। तो यहाँ अभी देखिए वही वाला चीज यहाँ पे हुआ है, तो 1 वाला जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो नाम ये आ गया और एज 60 हो गया, हाँ सर, और 2 जैसा का तैसा है, हाँ सर, 2 जैसा का तैसा, हाँ सर, और 3 वाला जो है चेंज होके नया आ गया, यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, डिलीट करना है, राइट। उसको डिलीट करने का है ना, हाँ सर, पुराने फाइल को तो हम लोग यहाँ पे डिलीट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिलीट फंक्शन डिलीट कॉल कर रहे हैं, लेकिन आईडी क्या दिए हैं, दो। कौन आईडी से आईडी को डिलीट टू, करना है, वो पीपल डॉट टैक्स में जो है दो हाँ, कौन से आईडी को डिलीट करना है, को, दो दो टू। टू को अपडेट डिलीट करना है, ठीक है। अब देखिए रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल, रिकॉर्ड फ्रॉम द फाइल पहला हम लोग रीड मोड में ओपन किए हैं, तो डिलीट कर दिए ना। अब डिलीट करने के बाद हम लोग रीड कर रहे हैं, डिलीट करने के बाद क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। अब देखिए आपके पास रिकॉर्ड नंबर 2 आया है यहाँ पे, अभी नहीं आया लेकिन थ्री भी नहीं। रिकॉर्ड नंबर, अच्छा, इसमें तीन नहीं हेलो, है। क्या हाँ, रिकॉर्ड हुआ, वन और टू ही है ना। हाँ सर, हाँ रिकॉर्ड नंबर 2 डिलीट हो गया, खाली 1 ही बचा ना, हाँ सर, इससे खाली 1 प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत। नो सर, अगर इसी को हम फिर से रन कराए हैं, इसी प्रोग्राम को अगर हम फिर से रन कर रहे हैं, क्या करना है, फिर से रन करें। ठीक है, करते हैं। अब देखिए क्या हुआ, आपके पास 1 में तो नाम पहले से बदला हुआ है, पहले वाले का हाँ सर, अभी नया ऐड हुआ, हाँ हाँ सर, और 2 आ गया, पहला ठीक है। तो ये आपका पहला बार, और उसके है बाद सर। अपडेट करने के बाद, अपडेट करने के बाद क्या हो गया, पहला नेम तो बदला ही हुआ था, दूसरा भी बदल गया, ये सत्यम जो था बदल के फिर से ये हो गया, हाँ सर, और ये जो 30 था वो 60 हो गया, हाँ ठीक। चलिए, और उसके बाद आप डिलीट भी होगा, डिलीट होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, केवल रिकॉर्ड आईडी 1, रिकॉर्ड आईडी 1 कितना है वन आपके पास, 2 है ना, 2 बार प्रोग्राम रन किया तो 2 बचेगा। बार ऐड हुआ ना, दो है। प्रिंट हुआ, हाँ सर, ठीक है। ये प्रोग्राम हम आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से रन कीजिए, टाइप कीजिए, ठीक है, अपने खाली समय में, और हम आपको